हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप HDFC बैंक से, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि पर्सनल लोन की, तो अब उसी में कुछ बंदों ने हमें कमेंट किया कि अगर यस बैंक से हम लोग पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी फीचर्स और डॉक्यूमेंट और इंटरेस्ट रेट क्या क्या लगेगा, और उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ से 10 लाख का लोन लेते हैं अगले 7 सालों के लिए, यहाँ पे पर्सनल लोन लेने वाले हैं, तो इसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी यस बैंक के बैंक ऑफ इंटरेस्ट से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग पूरी जानकारी डिटेल में समझने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप करिए वॉच कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप अगर वॉच करते हो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी, और तब आप एकदम यस बैंक में अगर लोन लेने जाएंगे ना, तो एक बहुत फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप वीडियो से जानकारी लेके जा रहे हैं आज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज दोस्तों, अगर आप नए हैं तो देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो यस बैंक है उसमें पर्सनल लोन की पूरी डिटेल जानने वाले हैं। तो 2023 में अगर यस बैंक से हम लोग बात करें, इंटरेस्ट इसका बैंक ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो 10.99% इसका बैंक ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। और लोन अमाउंट यहाँ से आप 1 लाख से 40 लाख तक का ले सकते हैं। तो हम लोगों को जो लोन अमाउंट कैलकुलेट करनी है, 10 लाख की आज ईएमआई कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे जो बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है वो वहाँ पे ऑनलाइन चेक हो जाती है, वो भी 2-3 स्टेप में। ये आपको यहाँ पे बहुत सी अच्छी सुविधा देखने को मिलती है, और 12 से 60 महीनों के बीच यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। यस बैंक से अगर आवेदन की बात करें, उसमें आयु क्या होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी है उसमें मिनिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए। और आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है, तो आपको ये बैंक ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कम लगेगा। यहाँ पे आप फोर क्लोजर चार्जेस देख सकते हैं, 2% से 4% है। और पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करें, 2% प्लस GST है। और ऋण रद्दीकरण की बात करें, तो 1000 प्लस यहाँ पे GST है। और देर से अगर लेट पेमेंट पे आपको जो शुल्क पे करना है वो 24% पे करना है। स्टैम्प शुल्क आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। अच्छे बाउंस अगर अगर आपको होता है, तब आपको जो शुल्क पे करना होगा वो आपको 750 प्लस GST पे करना होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर इस बैंक से आप लोन लेने वाले, तो आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आपको आवेदन पत्र देना होगा, पहचान पत्र देनी होगी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आयोग कार्ड दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप स्थायी पते का या वैध आईडी प्रमाण पत्र जो 1 वर्ष पुराना हो वो दे सकते हैं। और आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। तो चलिए दोस्तों, यस बैंक के बैंक ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग यहाँ पे अपनी जो बैंक है हमारी यस बैंक से, उसे 10 लाख का जो लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पे, जो कि एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक लगती है दोस्तों, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में दे देता हूं। तो प्लीज दोस्तों, आप जाके अपने लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पर्सनल लोन है वो 10 लाख का, तो यहाँ पे 10 लाख की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे 10 लाख हमने एंटर कर दिया। और जो हमारा बैंक ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.99% था। तो यहाँ पे 10 लाख का लोन यस बैंक से हम लोग 10.99% की ब्याज की दर पर अगले 5 सालों के लिए लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 7 सालों के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 7 सालों के लिए हम लोग लोन लेते हैं, तो हमारी मंथली ईएमआई बनती है, आप देख सकते हैं, 17,117 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, तो आप देख सकते हैं 4,37,000 आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। और टोटल पेमेंट जो बनेगी आपको, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन मिला के 14,37,843 रुपये बनेगा। यानी कि दोस्तों, अगर आप यहाँ से 10 लाख का लोन लेते हैं अगले 7 सालों के लिए, तो अगले 7 सालों में जो आपका ब्याज बनेगा वो 4,37,000 रुपये बनेगा। अगर दोस्तों इसी ब्याज को आपको कम करना है, तो जो आपको जो लोन टेनर है इसको कम 6 सालों के लिए ले लीजिए, और तो बस हल्की से आपकी 2,000 रुपये ईएमआई बढ़ जाती है। देखिए 17,000 से 19,000 रुपये हो जाती है, और बैंक ऑफ इंटरेस्ट आपको देखिए 3,70,000 हो जाता है, और टोटल पेमेंट आपकी बनती है 13,70,000। और कम करना है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको 5 साल के लिए ले लीजिए, आप इसको यहाँ से 5 साल के लिए ले लीजिए, तो आप ये देखिए ईएमआई जो है वो 2,000 और बढ़ जाती है, 21,000 हो जाती है 19,000 से, और आपका जो लोन है वो 70,000 डायरेक्ट कम हो जाती है, यानी 3 लाख, यानी 1.5 लाख रुपये आप बचा रहे हैं अगले 2 सालों में। तो दोस्तों, आप 21,000 की ईएमआई बनवाइए 10 लाख की, और टोटल पेमेंट जो आपकी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो बनेगी 13 लाख रुपये, जिसमें आपका 23.3% टोटल इंटरेस्ट होगा, और 76.7% आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर इसी ग्राफ में आप नीचे आएंगे, तो आप ये ग्राफ चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट किस ईयर कितनी करनी है, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, कितना इंटरेस्ट बचेगा, टोटल पेमेंट आपकी क्या रहेगी। और डिटेल्स में अगर पर मंथ वाइज जानना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मंथ वाइज दी जाती है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट बैलेंस, और लोन पेड टू डेट,
और देखिए एक पूरी मंथ वाइज आपको सारी लिस्ट देखने को मिलती है। तो आप हमारी इसी माई कैलकुलेटर लिंक पर जाकर अपने लोन की माई कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ऑनली को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।